हेलो दोस्तों, पीसी टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत। आज हम नेट प्रोटेक्टर को किस प्रकार से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसको अनइंस्टॉल करने के पास यदि आप इंस्टॉल करते हैं और आपका अनइंस्टॉल नहीं हो पा रहा है तो हम उसको किस प्रकार से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपका अनइंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप को देखते हैं, पहला वे को देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट मेन्यू में आ जाना है, ऐप्स एंड फ्यूचर में आ जाना है। और यहाँ पर जो कि सर्च लिस्ट करके दिया है यहाँ पर क्लिक कर देना है और एंटी करके आप टाइप करेंगे तो आपका नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस का आ जाएगा। उसको क्लिक करेंगे तो आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पर आता है, उसको क्लिक कर देना है और अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है हम लोग को। यहाँ पर यस करते हैं तो ये हम लोग को अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहे हैं। यदि पहला ये ऑप्शन आपका वर्क नहीं कर रहा है तो हम सेकंड स्टेप में हम किस प्रकार देखते हैं। यहाँ पर सर्च में हम लोग को कंट्रोल टाइप कर देना है तो कंट्रोल पैनल हम लोग को यहाँ पर मिल गया, सो क्लिक कर लेना है हम लोग को है। और यहाँ पर आप लोगों को प्रोग्राम एंड फ्यूचर के दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे आप तो अब इसको स्कॉलर को डाउन करेंगे तो आपको नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस का उसका ऐप्स मिल जाएगा। उसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये ऑप्शन आ जाएगा, हम यस करते हैं तो यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन में हम लोग को अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। यदि ये सेकंड मेथड में आप लोगों का वर्क नहीं कर रहा है तो तीसरे मेथड में हम किस प्रकार से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो कि आइकन होगा उसको राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन में आ जाना है यहाँ पर है। और यहाँ पर जो कि आपको जो नेट प्रोटेक्टर का फोल्डर है, मेन फोल्डर है, उसको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों को सी क्लीन इंस्टॉलर करके देखेगा मिलेगा दोस्तों, इसी को राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये आप लोगों को इस प्रकार से भी आप लोगों को अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल यहाँ से भी हो जाएगा दोस्तों। ये तीसरा मेथड था दोस्तों। और यदि दोस्तों ये आपको अनइंस्टॉल करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है और ये अनइंस्टॉल नहीं पा रहा है प्रोसेस में तो क्या होता है दोस्तों, किसी के में ये जो क्लीन इंस्टॉलर करके अनइंस्टॉलर करके है ये फाइल नहीं मिलता है दोस्तों। और ठीक है, एनपी सेटअप करके आता है दोस्तों, जो कि ये एनपी सेटअप करके रास्ता है दोस्तों। ये भी हमारे जो मेन फोल्डर से ये भी फाइल हमारा रिमूव जाता है और यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो कि आपको चौथा मेथड है दोस्तों कि आप यहाँ से भी एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं तो इसी को आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग को दो ऑप्शन आता है, एक रिपेयर का आता है, दूसरा रिमूव आता है। तो इसको हम रिमूव करते हैं दोस्तों यहाँ पर से, इसको यस कर लेते हैं। तो ये चौथा मेथड में दोस्तों, ये चौथा मेथड में हमारा इसका जो इंटरफेस हमारे साथ चारों में आ चुका है दोस्तों। तो हम इसको यहाँ से अदर रीजन में कर देते हैं दोस्तों और यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अनचेक कर देते हैं और यहाँ पर जो कि अनइंस्टॉल कंटिन्यू करके दिए तो क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हम लोग यस करें तो कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, तो हमको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है सभी एंटीवायरस जो कि हमारे जो कि प्रोग्राम में रनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बेसिक है, यदि आपके एंटीवायरस आपका वर्क नहीं कर रहा है तो इसमें हम चार वे को प्रयोग करके इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यदि दोस्तों ये चारों प्रोसेस आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपका जो मेन सेटअप है दोस्तों उसको आप रन कीजिए, उससे भी आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। ये जो कि आखिरी जो प्रोसेस होता है दोस्तों, क्योंकि मेन सेटअप जो आपका 450-400 MB का आपको मिलता है सेटअप, उससे भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो कि नेट प्रोटेक्टर था वो अनइंस्टॉल हो चुका है। और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही में आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।